हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन्फो। आज मैं आपके लिए करके आया एक और प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेनली घर के लिए है। तो जैसा कि आपको बॉक्स के ऊपर से ही आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये एक सीलिंग फैन है, और ये जो है आपको एटम्बो कंपनी की तरफ से आता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दे दिया गया है बड़ा बड़ा, और ये जो है आपका इसका लोगो है, और यहाँ साफ साफ लिख दिया गया सीलिंग फैन, और इसका जो मॉडल है ये आपका रेनेसा प्लस है। तो इसमें एक आपका रेनेसा मॉडल भी आता है, और एक रेनेसा प्लस स्मार्ट भी आता है जो कि एलेक्सा और गूगल के साथ काम करता है। तो फैन की हाइलाइटिंग फीचर की बात करें तो इसमें जो है ये सबसे जो हाइलाइटिंग फीचर है ये है आपका सुपर एफिशिएंट फैन है। तो जो बाकी जो सीलिंग फैन आते हैं वो आपका 70, 75, 80 वाट का होता है, पर ये जो आपका सीलिंग फैन है ये आपका 26 से लेकर के 32 वाट ही मात्र कंज्यूम करता है। तो जो बॉक्स के ऊपर जो हाइलाइटिंग पॉइंट दी गई है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ मिल जाता है सुपर एफिशिएंट, और यहाँ आपको लिख दिया गया BLDC विथ रिमोट बूस्ट। इसका जो है आप में फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको बूस्ट है, स्लिप है और टाइमर मोड है। आप इस फैन को चाहे तो टाइम के हिसाब से भी आप एडजस्ट मतलब कर सकते हैं। अगर आपको 1 आवर के लिए आपको चलाना है फैन को, तो 1 आवर के लिए चला सकते हैं। और ये जो है आपका इसका डिज़ाइन कुछ आपको इस तरह करके देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 6 जो है LED इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, तो आप जितने पे फैन चलाइएगा आप उतना ही LED ग्लो करेगा 3 या 4 सेकंड के लिए, फिर ये ऑफ हो जाएगा। फिर आप अपने रिमोट से स्पीड को ऑफ कीजिएगा तो ये आपका LED जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, ये आपका 1200 mm का फैन है, और इसमें आपको सैंड ग्रे और मॉडल है जो आपका रेनेसा प्लस है। तो इस फैन में आपको घर में लगाने से पहले आपको अपने रेगुलेटर को बाईपास करना होगा, जो कि आपका पुराना जो फैन है वो आपका रेगुलेटर से चलता था, स्पीड कंट्रोल होता था। तो इसमें है जो आपका रेगुलेटर को बाईपास करना है। ओके, तो इसकी जो है आपको ये आपको साल में कम से कम आपका पर ईयर जो है 1500 रुपया जो है ये आपको बचा देगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मतलब कि वाट में जो है आपका रन करता है। सर्विस सेंटर की बात करें तो उसको 400+ सर्विस सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये आपका जो इन्वर्टर पे है जो आपका नॉर्मल फैन से ये 3 गुना ज़्यादा चलता है, और आपको हाई एयर डिलीवरी भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, और जो है अगर आप मतलब कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाता है। और इस जो आपका फ़ैन है इसमें आपको पहले 2 साल की वारंटी आती थी, लेकिन अभी इसमें जो है आपको 3 साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो 1 साल जो है आपका अलग से इसमें ऐड किया गया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको देखने के लिए। तो आपको सबसे पहले एक लिफाफा मिलता है जो कि आपको एटम्बो कंपनी की तरफ से है, और इसमें जो है आपको ये तो बिल है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे वारंटी पेपर जो है आपको मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड, देखिए ये 1 ईयर का है, इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ईयर का है, तो ये आपको इसमें मिल जाता है। और फिर इसमें आपको और तो कुछ इसमें आपको देखने के लिए है नहीं। तो ये जो है आपका देखिए, तो ये आपका पैकिंग इसका काफ़ी अच्छा किया गया है। तो ये है इसका जो है आपका रॉड है, रॉड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये रॉड है इसका, और ये आपका रिमोट, और यहाँ पे आपको मतलब बैटरी भी आपको साथ में दे दिया गया है। दो इसमें 2 AAA बैटरी जो है आपका ये लग जाता है। और इसमें चलिए देखते हैं कि क्या है। तो ये जो है आपका फैन को लगाने के लिए कुछ जो क्लिप है, नट वट जो है आपको ये देखने के लिए इसमें मिल जाता है। तो इसको करते हैं साइड, और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या दिया गया है। तो ये जो है आपका ये कैप है, देखिए ये नीचे का है, ये ऊपर का कैप आपको है, इसको साइड करते हैं। ये जो है आपका बॉक्स को साइड करिए, और ये जो है आपका इसका मेन जो है ये फैन है। तो ये देखिए आपका फैन कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें आपको ये जो फैन है, ये फैन आपको 2 सेक्शन में जो है आपका डिवाइड किया गया है। तो
तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जो पहला जो सेक्शन है तो इसमें जो है आपको यहाँ से जो आपका नॉर्मल एसी करंट है वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। तो इसमें दो सेक्शन क्यों दिए गए हैं, इसमें जो आपको पहला जो सेक्शन है इसमें आपका पावर सप्लाई यूनिट है जो कि इस आपको जो 230 वोल्ट है उसको जो आपको डीसी में कन्वर्ट करके 12 वोल्ट में ये कन्वर्ट करता है। और ये जो है आपका इसमें जो है ये इसका ब्लेड जो लगाने के लिए दिया गया है। और ये यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको जो एक कंट्रोलर दिया गया है जिसमें आपका एलईडी लगाया गया है 6, अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 5 6। और ये जो है आपका कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए है। तो अगर फैन की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी में आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है कि इसमें आपका देखने से लगे कि कोई ये सस्ता फ़ैन है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये सिंगल बैरिंग पे काम करने वाला फ़ैन है, तो बाकी समय अधिकतर में आपको दो बैरिंग मिलता था जो पुराने वाले फ़ैन थे, ये आपको सिंगल बैरिंग पे है। और इसके अंदर जो है अगर आप और इसमें एक फ़ायदा आपको ये भी मिल जाता है कि इसमें आपको 61 जो है आपको वारंटी जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जो वारंटी जो आपको मिलेगा वो जो है सर्विस सेंटर से आपको घर आकर के आपको सर्विस देंगे अगर कुछ फ़ैन में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो। और ये जो है आपका इसका ब्लेड ब्लेड दिया गया है 1200 mm का, तो चलिए इसको भी खोल के देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसी फैन की तो मोटर की क्वालिटी तो काफी अच्छी है। ये जो फैन जो है आपका पावर जो है कंजम्पशन करता है मात्र 26 वाट, 26 से 32 वाट तक इसका कंजम्पशन है हाई हाई स्पीड पे। पैकिंग तो बढ़िया किया गया है इसका। और ये देखिए इसका जो आपका ब्लेड का डिज़ाइन आपको देखने के लिए कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, एरोडायनेमिक टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। और ये पूरा एल्युमिनियम का आपको जो ये फैन आपको मिल जाता है। और ये बहुत ही हाई ग्लोस जो है इसमें आपको आपको इसमें आपका डस्ट भी ज़्यादा बैठेगा नहीं, अगर आप इसमें साफ़ करेंगे तो ये आसानी से आपका साफ़ हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही है, मैं आपको आगे का वीडियो में ये फ़ैन को जो है मैं लगा के दिखाऊंगा और इसका स्पीड कैसा है ये मैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कुछ इंक्वायरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आगे का वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, तो मैं आपको इसका स्पीड और इसमें क्या क्या जो मेन मेन फीचर है हाइलाइटिंग पॉइंट्स वो मैं आपका सारा कवर करूंगा। तो अगेन अगर आप वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जैसे ही मैं इस फैन को लगा लूँगा तो मैं इसका आपको एक वीडियो दूंगा कि इसका किस तरह का परफॉर्मेंस और किस तरह ये काम करता है। तो ये जो है आपका इसका ये रिमोट है, तो चलिए देखिए मैं फ़ैन को ऑन करता हूँ। ये देखिए मैंने अभी 5 लेवल पे फ़ैन को मैंने रन किया है, तो अब देखिए मैं 1 पे करता हूँ तो देखिए इसका आपका एक इंडिकेटर जो है वो ग्लू किया, जो एलईडी था नंबर 1 वो जो है आपका वो कुछ सेकंड के लिए ग्लो करके ऑफ हो गया। तो ये 1 का स्पीड है, ये 2, ये 3, 4 और ये रहा इसका है ये 5वां। तो आप बोलिए कि इसमें तो सिर्फ 5 ही तक दिया है स्पीड के लिए, तो ये जो छठा है जो ये देखिए बूस्ट के करने के बाद जो है ये छठा आपका जो ग्लो करता है। तो आप इस फैन का जो है आवाज़ तो आपका आ रहा होगा, आपको इसका फ़ैन का स्पीड काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए इसका जो एलईडी है आप अगर चाहिए तो उसको आप कंटिन्यू भी ग्लो कर सकते हैं और इस बटन से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और पावर ऑफ करने के लिए आपको देखिए पावर ऑफ मैंने कर दिया। तो ओवरऑल जो ये क्वालिटी तो फर्स्ट टाइम अभी अच्छा है, बाकी मैं आपका डिटेल रिव्यू जो है
एक दो महीने बाद मैं इसको यूज़ करके मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये कितना सक्सेस है और ये किस तरह का है, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।